औरतों के हकूक़ के हवाले से काफ़ी कवानीन पास हुए हैं और जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन जाहिर है क्योंकि हमारे जो रियासत के इदारे हैं उनमें जो कमज़ोरियां हैं और उनमें हम देखते हैं कि इन किस्म के कवानीन को इम्प्लीमेंट करने की विल अनफॉर्चुनेटली मौजूद नहीं होती। तो बस जो एक मिसाल है जो मैंने इस पैनल में भी डिस्कस की थी वो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2013, जो कि घरेलू तशद्दुद को प्रिवेंट करने के लिए और पनिश करने के लिए पास की गई थी 2013 में। अब हालांकि इस कानून 7 साल पहले ये कानून पास हुआ था, लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं कि क्रिमिनल कन्विक्शन सिर्फ एक हुई है सिंध में जहाँ तक मुझे मालूम है, और ज़्यादातर हम देखते हैं कि थानों में भी और कोर्ट्स में भी इस कानून के बारे में अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है। तो जो रिलीफ और जो प्रोटेक्शन इस कानून को औरतों को देनी चाहिए थी वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई है। तो इसलिए जो हमारे सारे इदारे हैं, कोर्ट्स, पुलिस, जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसीज़ हैं, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो सारे अपने जो रिसोर्सेज हैं और जो कमिटमेंट है वो इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करें। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।